नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। आज पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश के अंदर लोक आस्था के सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को देता हूं। इसके बाद आज मैं जिस जगह पहुंचा हूं, ये बिरोल प्रखंड के अंतर्गत चुष्टी गांव है और यहां पे छठ पूजा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस साल पिछले साल की भांति कोविड-19 महामारी के कारण जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है या फिर ऐसा कहा जाए जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश आया है, उसके आदेश का दिशा निर्देश का जो है पालन करते हुए लोग यहां पर छठ पूजा मना रहे हैं। छठ पूजा की कुछ कमेटी है, कुछ युवा यहां पर मौजूद है जिन्होंने खास व्यवस्था किया है। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, पुरुष के लिए क्या व्यवस्था है, जो छठ व्रती है, जो लोग यहां पर आएंगे और सूरज को आराध्या करेंगे, उनके लिए खास व्यवस्था क्या की गई है। जो पानी में लोग जाएंगे, जैसा कि डॉक्टर त्यागराजन जो दरभंगा जिला के जिला पदाधिकारी है, उनका आदेश था कि 80 साल से कोई भी वृद्ध व्यक्ति वो घाट तक ना पहुंचेंगे या फिर छोटे बच्चे जो 10 साल से छोटा है वो नहीं पहुंचेंगे। तो क्या खास व्यवस्था की गई है उसकी तरफ से, आज हम जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश शर्मा हुआ जी, और मैं यहाँ पर ये लोक आस्था का जो महापर्व है उसके लिए हम लोग सरकार और दरभंगा जिला के जो माननीय पदाधिकारीगण है डॉक्टर एस एम रंजन जी, महिलाएं के लिए अलग लाइन और पुरुष के लिए दूसरा लाइन, मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। एक लाइन से महिला आती है और दूसरा लाइन से पुरुष आता है, इसके लिए हम व्यवस्था किए हैं। और कोरोना महामारी को देखते हुए आज सुबह में लगभग 11 बजे हम लोग ने छिड़काव किए हैं और BSC पाउडर और सैनिटाइजर भी हम लोग यहाँ पूरा घाट पर हम लोग दिए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे घर में जैसा कि वृद्ध व्यक्ति को आना मना है या फिर छोटे बच्चों को आना मना है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, छोटे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आप आए हैं तो आए हैं, मगर छोटे बच्चा जो है यहाँ पर नहीं है, हम पानी के लिए नहीं जाएंगे और वृद्ध के हम लोग सीधे साइड कर दिए हैं, साइड रहेंगे और छोटे बच्चे को साइड देख रहे हैं, उधर जो है हम लोग कर दिए हैं। इधर केवल जो 20 साल और 60 साल के अंदर जो है वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ व्यवस्था किए हुए हम लोग। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम करकुन दास। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार का जो छठ का पूजा है पिछले साल के भांति इस बार कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, सब इधर उधर रहते हैं, अभी ये भीड़ होने के कारण ये इकट्ठा हो गए हैं अभी, ठीक है, मगर इससे ज्यादा क्या सकते हैं। यहाँ पे एक हमारा घाट बन जाए वहाँ से लेकर यहाँ तक, वो चबूतरा वाले विधायक जी से मांग है। हाँ, जो अभी जीते हैं। चलिए, और कुछ और लोग हैं उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, आप मास्क लगाए हुए हैं? हाँ, पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार दास मेरा नाम। अच्छा, है आप घाट पे भी मास्क लगा गए हैं जबकि पानी में नहाना भी होगा? क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है कि कोरोना है, भीड़ से दूर रहें और सद्भावना से पर्व मनाए, इसीलिए मास्क लगा के आया हूँ। सरकार के इस गाइडलाइन से आप खुश हैं? खुश हैं, क्योंकि ये बीमारी ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे देश को कंगाल कर रहा है, इसीलिए खुश हूँ। इसलिए इनका पालन करना जी, उसका पालन करना जरूरी है। आपने सुना कि इस घाट के ऊपर जिस तरह से छठ पूजा मनाया जाता है, यहाँ पर सुबह सुबह 11 बजे से सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पर सैनिटाइज किया था और पूरा घाट का सैनिटाइज सिर्फ इसलिए सैनिटाइज किया गया ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से कोविड-19 को जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर DS का जो पाउडर है वो भी लगभग डाला गया है ताकि जो लोग बाहर से आएंगे, क्योंकि उनको नंगे पांव आना है तो ऐसे में हो सकता है कि उनके नंगे पांव आने से उनके पैर से जो है इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बीमारी बढ़ भी सकती है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जो यहाँ के कमेटी है उष्टी गांव के, उनके तरफ से पूरी रोकथाम के लिए पूरी जोर कोशिश की गई है। आप देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से घाट पूजा बनाया गया है, छठ का घाट बनाया गया है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो किस तरह से सुरक्षित है और जो छोटे बच्चे हैं खास करके वो घाट पर नहीं दिखाई दे रहे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए किया गया है और जो बड़े लोग हैं जो या फिर जो युवा हैं वही घाट पर अभी तक नजर आ रहे हैं। और जो पटाखा वाली बात आ रही थी कि अभी भी छोटे छोटे बच्चे जो मनोरंजन के तौर पर पटाखा छोड़ रहे हैं, लेकिन पिछले साल ऐसा बताया जाता है कि पिछले साल जो यहाँ पर आए थे घाट पे तो यहाँ बहुत सारे पटाखे छोड़े जा रहे थे। मिथिले जी, क्या कहेंगे, क्या लगता जी है? इस बार कोरोना के चलते हम लोग जो है ना पटाखे जो इस पर भी मैंने सरकार जो बैन लगाए हुए हैं, मैंने पटाखे जो मन बुझे बहुत 10% यहाँ जो है छोड़ा जाता है, जो आपको मोबाइल में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पटाखे का आवाज सुनाई देता होगा, इस पटाखे हम लोग सभी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इसलिए इससे प्रदूषण फैलता है। और हम लोग एक ही विनती है, निवेदन है इस न्यूज चैनल के माध्यम से, हम लोग यहाँ से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और यहाँ तक हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क से सड़क बना दिए जहाँ अभी आप खड़े हैं, हम लोग को एक ही उम्मीद है यहाँ पर छठ घाट के लिए हम लोग विधायक जी आके और छठ घाट को दे दे, हम लोग अति उन्नत हो जाएंगे और छठी मैया को करेंगे, उनको बार बार जो है हम लोग उनको जिताते रहे। अच्छा, एक सवाल और कहीं ना कहीं बार बार दोहराती रहती है,
कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छठ पूजा मनाते हैं लेकिन उनको छठ पूजा के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपको क्या जानकारी है कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? देखिए, ये छठ पूजा हिंदू का जो लोक आस्था के महापर्व मनाया जाता है, ये प्राचीन काल से, हम लोग को भी उतना जानकारी नहीं है, इसके लिए सूर्य भगवान को जो है ये खासकर शाम संध्या का और सूर्य जब उगते हैं मॉर्निंग, यानी कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि सूरज जब डूबने लगता है तो उसको आराधना दी जाती है और फिर जब विगत सुबह मॉर्निंग में जब सूरज का उदय होगा तो फिर से उसको आराधना दी जाएगी। ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे देश में चलते आ रहा है और ये परंपरा सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे देश के हिंदुत्व लोग रहते हैं वहाँ मनाया जाता है और इस पर इस फेस्टिवल इस त्यौहार को सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य जाति के जो लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो या फिर जो जंगल में रहने वाले लोग हो, वो भी इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं।